बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ लगती पंचायत टोबा के अंतर्गत आने वाले करोट के पकरेड़ा गांव में आज भी सड़क सुविधा न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी बार बुजुर्गों की रास्ते में ही मौत हो गई है। ऐसा ही एक वीडियो चारपाई पर ले जाते हुए गर्भवती महिला का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण महिला को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद भी आज ऐसा ही एक वीडियो चारपाई पर ले जाते हुए गर्भवती महिला का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण महिला को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद भी आज तक 64 परिवारों को राजनीति के चलते सड़क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो राजनेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद राजनेता वापस लौट कर नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के साथ साथ उनके घर जाने का रास्ता भी काफी खराब है, जिसमें चलने में भी काफी समस्या आती है। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से काफी बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं गर्भवती महिला के परिजनों ने बताया कि सड़क की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोजाना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काफी समस्या होती है। परिजनों ने सरकार से भी आग्रह किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात के कारण कोल डैम का वाटर लेवल लगभग 3 से 4 मीटर तक बढ़ चुका है, जिसके तहत गेट खोलकर गोविंद सागर झील में पानी छोड़ा जाता है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को भी बताया गया कि पानी छोड़ने के चलते नदी नालों के नजदीक ना जाएं, ताकि कोई घटना ना हो सके। यहां का नजारा देखने के लिए आए लोगों ने कहा कि ये जगह काफी खूबसूरत है और कोल डैम का पानी जब छोड़ा गया तो यहां का नजारा और खूबसूरत लगा। पर्यटकों ने भी जनता से अपील की है कि इस समय में पानी के नजदीक न जाएं और प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करें। बिलासपुर जिला के बरमाणा क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाला मामला तब सामने आया जब एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को कुछ दरिंदों ने न केवल 4 महीने तक अपने घर पर बंधक बनाकर रखा, बल्कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। वही मौका देखते ही पीड़ित युवती इन दरिंदों के घर से जान बचाकर फरार होने में कामयाब हुई और सीधे बरमाणा थाना में जाकर पहुंच गई, जहां उसने आपबीती सुनाई। वही थाना SHO ने पूरे मामले की जानकारी ASP अमित शर्मा व SP दिवाकर शर्मा को दी, जिसके बाद ASP अमित शर्मा ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए और अगले 24 घंटे के अंदर ही 3 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि पीड़ित लड़की को 2 युवकों द्वारा अगवा कर एक कमरे में बंद करके रखा गया था और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही पीड़िता को अपना मुंह बंद रखने और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद मौका देखते हुए पीड़िता फरार होने में कामयाब हो गई और सीधे थाने में जा पहुंची। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए ASP अमित शर्मा ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट पोस्को धारा 376 के तहत FIR दर्ज कर दोनों मुख्य आरोपियों सहित घर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जिला न्यायालय द्वारा 3 दिन के पुलिस की रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद इकाई मंडी के सदस्यों ने वन विभाग मंडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद मंडी के जिलाध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू की अगुवाई में पौधारोपण किया। इस मौके पर हरमीत सिंह बिट्टू ने परिषद के उद्देश्यों से अवगत करवाया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य हिंदू समाज को मजबूत करना और अध्यात्म की रक्षा कर विदेशों में रहने वाले हिंदुओं से तालमेल रखना और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्हें संगठित करना है।
वहीं डीएफओ मंडी एसएस कश्यप ने जानकारी दी है कि पूरे प्रदेश में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कर 1,20,00,000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से वन मंडल मंडी में करीब 380 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 3,00,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बरसात के मौसम में विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद इकाई मंडी के सदस्य ने वन विभाग मंडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर नेचर पार्क में पौधारोपण किया।